أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أصل المات الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب الجوائل وحمد المقام المحمود مولا ومولا الشهدين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال مظلوم كربلاء أنا قتيل الأبرى صلى الله عليه وسلم صلى على محمد وعلى محمد أرباب أذى أيام أذى في يا في رات ہے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کبھی کل मुहर्रम की शुरुआत हुई थी और इतनी जल्दी हमारा मेहमान हमसे रुखसत हो रहा है। अजीजों, ये वक्त का सिलसिला बराबर आगे बढ़ता रहता है। जब लम्हे आपस में मिलते हैं तो घंटे वजूद में आते हैं, जब यही घंटे आपस में जमा होते हैं तो शबो रोज पैदा होते हैं, जब शबो रोज आपस में मिलते हैं तो हफ्ता वजूद में आता है, और जब हफ्ते आपस में मिलते हैं तो महीना जन्म लेता है, और जब यही महीने आपस में मिल जाते हैं तो साल वजूद में आता है, और जब साल आपस में जमा होते रहते हैं तो सदी बन जाती है। ये वक्त का सिलसिला बराबर रमा जमा है, वक्त आगे बराबर बढ़ रहा है। जो गुजर गया वो माजी था, जो चल रहा है वो हाल है, और जो आने वाला है वो मुस्तकबिल है। जब मैं मिंबर पर आया था तो वो हाल था, लेकिन अब वो माजी बन गया, और जब मेरी तकरीर तमाम हुई वो मुस्तकबिल है, लेकिन जब ये तकरीर तमाम होगी तो ये मुस्तकबिल हाल बन जाएगा। यानी जो भी कायनात में हो रहा है वह हमेशा वक्त जो है उसको माजी में ढकेलता रहता है। बड़े बड़े वाकया दूनुमा हुए लेकिन सब माजी की गोद में चले गए। मुगलिया हुकूमत का वाकया आप उससे जाकर जानते हैं, लेकिन अब मुगलिया हुकूमत का वाकया जो है वो माजी की दास्तान है। अवध की सल्तनत जो है वो माजी का वाकया है। इंदिरा गांधी का कब्ज जो है वो माजी का वाकया है। बाबरी मस्जिद का इंतजाम जो है वो माजी का वाकया है। ये बात किसी को नहीं करता। हर शह माजी में जा रही है, हर शह माजी के दामन में समा रही है, लेकिन अजीजों जो हकीकतें होती हैं उन पर ये वक्त असर अंदाज नहीं होता। मैं अपने मजमे से सवाल कर रहा हूँ कि मुझे ये मजमा बताए कि ये ला इलाहा इल्लल्लाह, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह, क्या ये माजी का कलमा है? ये कलमा किसने तालीम दिया था? तो जवाब मिला 1400 साल पहले ये कलमा मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हमें तालीम दिया था। तो अजीजों बताओ, क्या ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, क्या ये माजी का कलमा है? जवाब मिला नहीं नहीं, ये तो हाल का कलमा है। इसलिए जो हकीकतें होती हैं उन पर वक्त असरअंदाज नहीं होता, लेकिन जो अपना सर देने के बाद बहत्तर कुर्बानियां देने के बाद कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह को बचा ले, क्या वो करबला का वाकया माजी का वाकया होगा? नहीं नहीं, वो कल भी हाल था, करबला का वाकया आज भी हाल है और कयामत तक हाल रहेगा। बस अरबाबे अदा ये हमारा जमाने अदा तमाम हो रहा है। मौलाना ने दुरुस्त फरमाया, हमारा सीना जो है वो हुसैन का लाला खाना है, हमारे दिल में हम आप हुसैन की याद ताजा है, लेकिन वो अयाम जो मखसूस थे इमाम से वो अयाम उसकी आखिरी रात है। इमाम हमसे रुखसत हो रहे हैं। मैं कहूंगा मौला, अगर हम हजारों से कोई गलती हो गई हो
तो खून अली अकबर का वास्ता माफ कर दीजिएगा। सारे आईना अगर जिंदगी रही तो फिर ये फर्ज आजा होगा, ये हुसैन का ताबूत होगा, अब्बास का मातम होगा, अली अकबर का लोहा होगा। अब अल्लाह मैं चंद मिनट में आपकी जहमत को तमाम कर रहा हूँ। दो मौके मुझे आपके सामने पेश करने हैं अल्लाह दारो। जब इमाम की शहादत हो गई, मेरा मौला ने अली अकबर माशिया पढ़ लिया या बोल लिया, अगर दुनिया पाटा का रफा एक बेटा तेरे बाद जीने का मना नहीं, जिंदगानी दुनिया पर पाक है। जब इमाम ने बराबर के भाई अब्बास का लोहा पढ़ लिया, अलानी ए भैया अब्बास तेरी शहादत ने हुसैन की कमर तोड़ दी। जब इमाम के हाथों पर पेशी तीर सशोभा का निशाना हो गया, इमाम को अपने शिया याद आ गए, लेकिन शियों में आशूरा जमीन तंदरूनी ए मेरे शियो, काश के तुम लोगों में आशूर होते तो ये मंजर देख के कैसा इस तस्ती है तिफली साहब अय्या खामूनी। मैं अली अकबर के लिए इस तरह पानी का सवाल कर रहा था जिसे ठुकरा दिया गया। बदलियो मेरे साथ चंद लम्हों के लिए मैदान में करबला चलो, इमाम की शहादत हो चुकी है, अल्लाह कुतेगल हुसैनों से करबला की सजाए बदल हो चुकी। अजादारो बच्ची बाप के रास्ते पर पहुंची, एक मरतबा देखा कि सीने पर तीर है। अरे मेरे बाल में इमाम ने इजारत नाहिया में फरमाया था, मेरा सलाम हो उस शहीद पर जिसका जिस्म न जमीन पर था न जमीन पर था, मौला का जिस्म जो था वो जीवों पर मौला था। अगर आओ अब इमाम का सामान लूटने वाले सामान लूट रहे हैं। अगर आओ कोई इमाम की नालें उठाकर ले गया, कोई इमाम का लिबास लेकर चला गया, किसी ने इमाम की कमर से टक्कर खोला, अगर आओ सारा सामान इमाम का चला गया। इसी इसी रचना में जब रात की चाली की फैली तो एक मलून जिसका नाम है जम्मार, ये मलून आया, इसने देखा कि लूटने के लिए कोई सामान नहीं है, सब सामान लोग लूट कर ले सके, और आज मानो इसने क्या देखा कि मौला की उंगली से एक तीन की अंगूठी है। अदा करो ये मलून आगे बढ़ा, इमाम का हाथ अपने हाथ में लिया, अंगूठी निकालने की कोशिश की, लेकिन अदा करो मेरा इंसाफ कीजिए, जिसके हाथ पर जख्म हो, जिसके हाथ पर तीन लगे हो, जिसके हाथ पर और गरम आ गया हो, उस हाथ से अंगूठी कैसे उठेगी। मेरे मौला की उंगलियों पर गरम आ चुका था, बहुत कोशिश की लेकिन इमाम की अंगूठी नहीं उतरी। जब मार मलून आगे बढ़ा, आगे बढ़ने के बाद दो पत्थर इसने अपने हाथ में उठाए, एक पत्थर के नीचे इमाम का हाथ रखा, उंगली पर इसने खंजर रखा, दूसरा पत्थर ऊपर से मारा, उंगली भी ले गया, इमाम की अंगूठी भी ले गया। जब कुछ देर के बाद जैनब नाचे पर आई तो जैनब ने सवाल किया, ऐना ऐना नाच होगा ए भैया, तेरा सर कहाँ है, ऐना ऐना लिबास होगा ए भैया, तेरा लिबास कहाँ है, ऐना ऐना सवाल होगा ए भैया, हुसैन तेरी पाँच की उंगली कहाँ है। अल्लाह दारो जैनब ने तीन सवाल किए, तेरा सर कहाँ है, तेरा लिबास कहाँ है, तेरी पाँच की उंगली कहाँ है। मौला ने कोई जवाब नहीं दिया, कल के हुसैन के नाम के से आवाज आई, ये मालूम जमाल मालूम इमाम की उंगली भी ले गया और इमाम की अंगूठी भी ले गया। एक और मालूम है जिसने क्या लूंगा, इमाम का अमामा लूंगा। अगर आओ इमाम का अमामा हमेशा इमाम के पास रहता था, इसको कोई लूट नहीं सकता, हर इमाम का अमामा उसके पास रहा। जब वो दुनिया से गया उसने अपने बेटे होने वाले बेटे इमाम को अपना अमामा दिया, इमाम का अमामा भी लूट लिया गया। लूटने वाले का नाम है मालिक इब्ने बसर। अदा दारो इमाम का इमामा अमामा ये लूट कर लेकर चला, तमाम दिन का थका हुआ था मलूम अपने घर पर पहुंचा, एक संदूक में इमाम का अमामा रखा, थका हुआ था फौरन सो गया। इसकी बीवी कहती है जब मैं घर के जहन में आई तो पूरे घर के अंदर
दूसरों की बहन थी, पूरा घर खुशबू से मुअत्तर था। मैंने सोचा ये कौन सी खेल मेरे घर में आ गई कि मेरे घर में खुशियां तो खुशबू नजर आ रही है। एक मरतबा अपने सवाल को उठाया और ये मोमिना देखिए कम्बा, अरे किसका घर में आकर आया है ये मालूम कहता है। मैंने किसी का घर में जरा एक खान जी ने ये ईद की बैग से इनकार किया था। Gracias.